हाल के एक फैसले में पटना हाई कोर्ट ने 96 वर्षीय विधवा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अपने दिवंगत पति एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी के लिए पारिवारिक पेंशन की मांग की गई थी, जिसमें दावे में 30 साल से अधिक देरी और उसकी वैवाहिक स्थिति और उसके पत्नी की सेवा इतिहास को स्थापित करने के लिए ठोस सामग्री की कमी का हवाला दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की बेंच ने कहा, 30 साल से अधिक समय के बाद अब किया गया दावा काफी विलंबित है। याचिकाकर्ता के पास यह इंगित करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है कि उसकी शादी न्यायिक अधिकारी से हुई थी। याचिकाकर्ता श्रीमती रुद्रमाया सिन्हा ने दिवंगत राम किशोर प्रसाद सिन्हा की पत्नी होने का दावा किया, जिन्होंने 13 वर्षों तक बिहार राज्य में न्यायिक मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता मृत न्यायिक अधिकारी से अपनी शादी के पर्याप्त सबूत देने में विफल रही और कहा गया है कि उसके पति की कथित तौर पर पहली शादी किसी अन्य महिला से हुई थी और पहली पत्नी की मृत्यु को साबित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था। याचिकाकर्ता की मृत अधिकारी से शादी की भी पुष्टि नहीं की गई। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए फॉलो करिए लाइव लॉ।